प्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। और आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक साक्षी हिंदी पाठमाला से पाठ संख्या 12 जंगल की सैर का अभ्यास करने जा रहे हैं, जो आपको दिया गया है पृष्ठ संख्या 48 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, इस भाग में हमें पढ़ना और बोलना है, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है, पढ़ो और बोलो। अंग, रंग, पलंग, जंगल, मंगल। भाग दो, मिलाकर लिखो। अब ये कुछ वर्ण हमें दे रखे हैं और हमें इन वर्णों को मिलाकर शब्द लिखना है। इसके साथ हमें अंग की मात्रा को भी जोड़ना है। तो चलिए लिखते हैं, अंगूर, अंगूर, आपको मात्रा यहां लगानी है, लंगूर, लंग गू र, लंगूर। अब हम लिखेंगे अंकित, अंग अंकित। अब करते हैं भाग तीन, चित्र को उसके नाम से मिलाओ। यह किसका चित्र है? अंगूर का। अंगूर ढूंढते हैं, कहाँ लिखा है? यह लिखा है, तो हम अंगूर के चित्र को अंगूर शब्द के साथ मिला देंगे। यह क्या है? पंख। तो पंख को पंख के शब्द के साथ मिला देंगे। अब देखते हैं, यह है अंडे। अंडे सबसे ऊपर लिखा है, तो हम यहां से इसको मिला देंगे। अब यह क्या है? घंटा। घंटे को इधर मिलाएंगे। यह है झंडा। झंडे को यहां मिलाएंगे। इसके बाद है कंगन। कंगन को इधर मिलाएंगे, कंगन। अब हम करेंगे भाग चार, अंग की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। यहां पर एक शब्द हमें बनाकर दिखा रखा है, शंख। दूसरा शब्द हम इन वर्णों से और अंग की मात्रा से बनाएंगे। तो क्या बना सकते हैं? हंस। लिखते हैं यहां, हंस। अब हम और क्या बना सकते हैं? तंग। लिखिए इधर, तंग। आप संग भी बना सकते हो, क्योंकि यहां पर स भी दे रखा है, संग। इसके बाद हम बना सकते हैं पतंग, प तंग, पतंग। अब हम चलते हैं भाग पांच की तरफ, सोचकर लिखो। सबसे पहले हम यह प्रश्न पढ़ेंगे और फिर इसका उत्तर यहाँ खाली स्थान में लिख देंगे। चिड़िया कहाँ चहक रही थी? चिड़िया डैश में चहक रही थी। चिड़िया कहाँ चहक रही थी? जंगल में। तो हम यहाँ लिखेंगे जंगल। चिड़िया जंगल में चहक रही थी। बंदर क्या खा रहे थे? बंदर अंगूर खा रहे थे। तो हम यहां लिखेंगे अंगूर। अंगूर खा रहे थे। पानी में कौन तैर रहा था? पानी में हंस तैर रहा था, हंस। पानी में हंस तैर रहा था। अब हम देखते हैं भाग छह,
इनमें से कौन पेड़ों पर चढ़ सकता है, उस पर सही का निशान लगाओ। गिलहरी। बच्चों, क्या गिलहरी पेड़ पर चढ़ सकती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, यह पेड़ पर चढ़ सकती है, तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। आगे है लंगूर। लंगूर भी पेड़ पर चढ़ सकता है, तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अब है बंदर। बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है। इसके बाद है हाथी। क्या हाथी पेड़ पर चढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब है हंस। क्या हंस पेड़ पर चढ़ सकता है? नहीं। इसके आगे है बिल्ली। बिल्ली पेड़ पर चढ़ सकती है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? सही का निशान। इसके बाद हम करेंगे पृष्ठ संख्या 50 पर भाग 7। चित्र देखकर दिए गए शब्दों के लिए विशेषता वाले शब्द लिखो। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे संतरा, पतंग, अंगूर, बंदर, हंस। हमें इन सब वस्तुओं की एक एक विशेषता बतानी है इस चित्र को देखकर। तो करते हैं पतंग। बच्चों, यह कैसी पतंग है? यह है रंगीन पतंग। तो आप यहाँ लिख सकते हो रंगीन। रंगीन पतंग। अंगूर। अंगूर कैसे हैं? कैसे हैं बच्चों? आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, मीठे भी, हरे भी और रसीले भी। मैं यहाँ लिख रही हूँ रसीले। कैसे अंगूर हैं ये? रसीले, रसीले अंगूर। इसके बाद है बंदर। बंदर कैसा है ये? आप कुछ भी लिख सकते हो, छोटा या शरारती। मैं यहाँ लिख रही हूँ छोटा, छोटा बंदर। इसके बाद है हंस। हंस यहाँ पर, हंस कैसा है? सफेद। आप यहाँ पर सफेद हंस भी लिख सकते हो, और यह कैसा लग रहा है आपको? सुंदर। तो आप यहाँ पर सुंदर भी लिख सकते हो, सुंदर हंस, सुंदर हंस। इसके बाद अब हम भाग 8 करेंगे। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर वाक्य पूरे करो। अंकुर डैश खा रहा है। अंकुर क्या खा रहा है? अंगूर। तो हम यहाँ लिख देंगे अंगूर। अंकुर अंगूर खा रहा है। इसके बाद है मयंक डैश उड़ा रहा है। मयंक क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो हम लिखेंगे पतंग। मयंक पतंग उड़ा रहा है। डैश कूद रहा है। कौन पेड़ से कूद रहा है? बंदर। तो हम यहां लिख देंगे बंदर। बंदर कूद रहा है। पेड़ पर डैश लगे हैं। पेड़ पर क्या लगे हैं? संतरे। संतरे पेड़ पर संतरे लगे हैं। डैश पानी में तैर रहा है। हंस पानी में तैर रहा है। हंस। हमारा इस पाठ का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब यह अभ्यास आपको अपनी हिंदी पुस्तक में सुंदर लेख में करना है। धन्यवाद।